Assalamu alaikum dear students. Today we are here for our lecture number 3 about mock interviews. Yesterday we have already discussed about the main things about mock interview. कल हम लोगों ने कुछ questions discuss किए थे mock interview के बारे में. आज हमारा mock interview के topic last lecture है. Mock interviews को हम लोग आज sum up करेंगे इंशाल्लाह ताला. तो students, mock interview के लिए आज जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी हैं वो कुछ टिप्स हैं, यानी कि डूज़ ऑफ मॉक इंटरव्यू. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मॉक इंटरव्यू में हम लोगों को लाजमन करनी चाहिए. डोंट्स देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं विच वी आर गोइंग टू नेवर डू. देन सम टाइप्स ऑफ मॉक इंटरव्यू एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यूज़. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, आज हम लोग इनको देखेंगे. सबसे पहले अगर हम टिप्स देखते हैं तो सबसे पहले टिप में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मॉक इंटरव्यू में यू शुड हैव टू कंडक्ट रिसर्च ऑन द एम्प्लॉयर, हायरिंग मैनेजर और अ जॉब इंटरव्यू, जॉब अपॉर्चुनिटी. यानी कि आपको सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एम्प्लॉयर के बारे में, हायरिंग मैनेजर के बारे में, या जो भी आपको जॉब मिली है. ठीक है, बिकॉज सक्सेस इन अ जॉब इंटरव्यू स्टार्ट्स विद अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ऑन द जॉब सीकर्स पार्ट. अगर जॉब सीकर के पास एक अच्छी फाउंडेशन है, सॉलिड फाउंडेशन है नॉलेज की, तो वह एक सक्सेसफुल वे की तरफ लेकर जाता है. वी शुड अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयर, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब एंड द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन हु इज़ इंटरव्यूइंग यू. ठीक है, एक एम्प्लॉयर को चाहिए कि जो आपको इंटरव्यू कर रहा है उसकी भी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. द मोर यू रिसर्च, द मोर रिसर्च यू कंडक्ट, द मोर यू विल अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर इज़ बेसिकली द पर्सन हु इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू और हु इज़ गेटिंग यू एम्प्लॉयड. ठीक है, वो आपको जॉब पर रखेगा. एंड द बेटर यू will be able to answer your interview questions. जब आप उसके बारे में सही से information collect करेंगे तो आप उसको जान पाएंगे, आप उसकी psyche देख पाएंगे, आप उस हिसाब से आप उसको answer कर पाएंगे. Review number 2 is review common interview questions and prepare responses. कल हम लोगों ने कुछ common questions, potential questions को discuss किया था. अब वो कॉमन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है, अपने रिस्पॉन्सेस को तैयार करना है, वो जो है वो ज़रूरी है. इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट की टू इंटरव्यू सक्सेस. ठीक है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो यू शुड प्रिपेयर योर रिस्पॉन्सेस टू द एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट इट इज़ इंक्वायर, इट इंक्वायर एज टू द टाइप ऑफ इंटरव्यू टू एक्सपेक्ट द थिंग्स. Because your goal is composing detail, get concise responses. आपने detail भी देनी है लेकिन आपने to the point brief answer को construct करना है. And you have to focus, you should be focused on your specific examples and accomplishments. आपने उस थोड़े से response में अपनी अपनी skills भी बतानी है, अपनी accomplishments भी बतानी है. सो इट इज़ दैट कि आप उसको स्टोरी की तरह याद कर लें, आप उसको एक मेमोराइज़ कर लें किसी न किसी चीज़ को. आप रिस्पॉन्सेज को याद करने की ज़रूरत इस तरह नहीं है, बस आप उसको डिवेलप करें हैबिट को, हाउ टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी पंक्चुअल. ठीक है, यू शुड अराइव ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू एंड प्रिपेयर फॉर सक्सेस. At least arrive 15 minutes before your scheduled interview. आपको 15 मिनट पहले जाना है ताकि आप उस माहौल को चेक कर सकें. There is no excuse of arriving late there. ठीक है, आप जब वहाँ पर जाएंगे अपना पेपर वर्क जो भी कंप्लीशन जो भी आपको वहाँ पर अगर कोई फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, आप ये बहुत एक अच्छा चांस होगा. इट इज़ अ चांस टू ऑब्जर्व द डायनामिक्स ऑफ द वर्क प्लेस. आप वहाँ पर वर्क प्लेस की चीज़ों को जज कर सकते हैं कि माहौल कैसा है, इसके लिहाज से आप उसको इंटरव्यू को देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, यू हैव टू मेक गुड फर्स्ट इम्प्रेशन. ठीक है, आपने बहुत ही कार्डिनल होके बात करनी है. यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू ग्रीट वार्मली टू द पर्सन यू मीट. ठीक है, आपको जहाँ पर जो भी बंदा मिल रहा है आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलना है. दिस विल शो योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर एंथुसियाज्म फॉर द जॉब. ठीक है, आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चंस. सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट है कि यू हैव टू रिमेंबर योर बॉडी लैंग्वेज.
ठीक है, पहले आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना है, अवॉइड करना है बैड हैबिट्स को आपकी बहुत सारी। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की बैड हैबिट है कि वो नेल को बाइट करता है या पेन से खेलता है या वो चेयर को ऊपर बार बार हाथ मारता है, गम को च्यू करता है या बार बार अपने फेस को टच करता है, तो इस तरह की बॉडी हैबिट्स को अवॉइड करना है और अच्छी हैबिट्स को शोकेस करना है, जैसे कि हल्का हल्का स्माइल करना है। यू शुड हैव बिल्ड एन आई कॉन्टैक्ट, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये शो करे कि आप इंटरव्यूअर की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, नॉडिंग होनी चाहिए अगर हाँ या ना में सवाल हो रहे हैं। सो ये जो आपका रिस्पॉन्सेज होते हैं ना वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यू शुड आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चंस, ऐसा ऐसा आपने एम्प्लॉयर्स को जज करना है, उनसे इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछने हैं। जॉब सीकर शुड प्रिपेयर सम क्वेश्चंस टू आस्क डे बिफोर ऑन द इंटरव्यू डे, बिफोर द इंटरव्यू इट शुड ऐड एडिशनल क्यूरीज अगर आपको कोई हो सकती हैं, इट मे अराइज विद इन द इंटरव्यू, अगर आपको कोई लग सकता है कि इस तरह के सवाल पैदा हो सकते हैं तो आपने वो क्वेश्चंस भी लिख के लेकर जाने हैं और प्रिपेयर करके जाने हैं और आपने उनसे पूछना है। फिर आप लोगों ने यू शुड थैंक द इंटरव्यूअर, ये बहुत ही है कि पैनल में जितने भी इंटरव्यूअर के लोग बैठे होंगे, जितने भी एम्प्लॉयर्स बैठे होंगे, आपने कर्टसी को शो करना है, पोलाइटनेस दिखानी है और आपने उनको थैंक्स करना है। अब थैंक्स आप वहाँ पर फौरन भी कर सकते हैं और बाद में आप फॉलो अप मैसेजेस के जरिए, ईमेल के जरिए या पोस्ट कार्ड के जरिए, पोस्ट मेल के जरिए भी आप उनको थैंक्स बोल सकते हैं। तो थैंक यू ईमेल्स और नोट्स जो हैं वो रिसीव होने चाहिए शॉर्टली आफ द इंटरव्यू। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको फ़ौरन के लिए जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो एक आपका पॉजिटिव जो है वो इमेज शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यू शुड ड्रेस अप्रोप्रिएटली। ऑब्वियसली ये चीज़ें हम लोग जब रियल जॉब इंटरव्यूज पढ़ेंगे तो उसमें भी करेंगे कि एक जॉब इंटरव्यू में कैसा ड्रेस होना चाहिए। तो मॉक इंटरव्यू में आप उसकी प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो मॉक इंटरव्यूज में भी आपकी ड्रेसिंग का जो कोड है वो बहुत ही डिसेंट और एप्ट होना चाहिए। यू शुड ग्रीट द रिसेप्शनिस्ट विथ रिस्पेक्ट एंड कर्टसी। अब ये इंटरव्यू की डूज हैं, यानी कि अगर आप कोई इंटरव्यू मॉक कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके पास कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई और बंदा है, तो आपने उनको भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना है। यू शुड शो केस योर एंथुजियास्टिक एंड पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा वाइटल हैं अपने इनिशियल स्टेजेस में, और आपकी स्टडी ये बताएगी कि आप जो है वो क्रिटिकल डिसीजंस ले सकते हैं, और आप मतलब आप जब पहले टाइम पर पहुंचेंगे तो ये भी एक चीज़ है जो आपको बताएगी कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं और इस जॉब के लिए कीन हैं। प्रिपेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्टिव नोट्स। ठीक है, आप लोगों ने अपने साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। अब नोट्स प्रिपेयर करने से क्या होता है कि आपको रियल इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो पॉइंट्स इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ब्रिंग ऑल मटेरियल नीडेड फॉर इंटरव्यू। आप जब मॉक इंटरव्यू में गए हैं तो वहाँ पर भी आपने अपनी तमाम चीज़ें लेकर जानी है, क्योंकि इस तरह से आपकी हैबिट बन जाएगी और आप फिर रियल इंटरव्यू में अपनी वो चीज़ें भूल कर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से ब्रिंग एक्स्ट्रा रेज्यूमे एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एजुकेशनल या जो अकेडेमिक फाइल्स होती हैं उनको भी लेकर जाना है। टेक्स नोट ड्यूरिंग ईच मॉक इंटरव्यू। आपने बेसिकली ये वही पॉइंट है, रिपीट हो गया है, प्रिपेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्टिव नोट और ये वाला टेक नोट्स ड्यूरिंग ईच मॉक इंटरव्यू। तो इसका भी यही मतलब है कि आपने साथ साथ पॉइंट्स को रिकॉर्ड नोट करना है। रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज, यानी कि आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन के आंसर्स किए हैं तो वो किसी तरीके से आप माइक्रोफोन वगैरह लगा के उनको रिकॉर्ड भी कर दें, ताकि आपको वो चीज़ें जो है वो उनको आप बाद के यूज़ के लिए अप्लाई कर सकें। आपने उस टाइम पर कैसा आंसर दिया था और अब आपने उसको सुनकर आपने कैसा आंसर आगे बेहतर आंसर जो है वो दे। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, ठीक है, आपके डोंट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। सो डोंट बी टू सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा भी नरम तरीके से बात नहीं करनी। बी रिजिड इन योर आंसर्स, बी स्ट्रिक्ट
आपको कोई कुछ भी कह देगा तो आपने फ़ौरन से मानना नहीं, अपने रिस्पॉन्सेज में आपने रिजिड रहना है। डोंट से नेगेटिव एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर प्रीवियस जॉब। हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि अपने प्रीवियस जॉब के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में या अपने कोलीग्स के बारे में कोई भी गलत बात नहीं कहनी। डोंट एम्फसाइज ऑन मनी और कंपनसेशन पार्ट अंटिल लास्ट राउंड। सैलरी रिक्वायरमेंट की बात हम इंटरव्यू में ही करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था सीवी वाले टॉपिक में कि हम लोग सीवीज़ में या कवर लेटर में सैलरी रिक्वायरमेंट की बात नहीं करते, इंटरव्यूज़ के दौरान करते हैं। लेकिन फ़ौरन से एम्फसाइज नहीं करना, शुरू में एम्फसाइज नहीं करना, जब आपको पता लग जाए कि हाँ द पर्सन इज़ विलिंग टू गिव यू अ जॉब, या वो अच्छे आपका जो उम्मीद लग रही है आपको जॉब की, तो तब आप उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अदरवाइज उसको बहुत ज़्यादा बार बार उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी। डोंट बी डिसऑनेस्ट इन योर आंसर्स, आपने आंसर्स को ऑनेस्टली आंसर करना है। डोंट आंसर एनी फोन कॉल, ये तो वैसे भी मैनर्स के खिलाफ आता है कि आप ड्यूरिंग कम्युनिकेशन किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दें या उसको टाइम दें। तो आपने कोई भी फ़ोन कॉल वगैरह आंसर नहीं करनी, बल्कि रादर यू शुड कीप इट इट ऑन साइलेंट मोड। डोंट शो एनी डिसलाइकिंग अबाउट योर वर्क और जॉब। आप जिस जॉब पोजिशन के लिए आए हैं, अगर उसके लिए आपको ये डिसलाइकिंग दिखाएंगे तो आपको जॉब तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नेवर वेयर एनी गैजेट लाइक MP3 और हेडफोन। आप कभी भी इंटरव्यू टाइम पर MP3 और हेडफोन और इस तरह के माइक्रोफोन्स वगैरह वेयर नहीं करते। डोंट स्टार्ट योर स्टेटमेंट विद आई थिंक, ठीक है, आपने आई थिंक करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, बल्कि आप रियलिस्टिक हो के आपने उसका जवाब देना है। एंड अभी हम डूज में पढ़ चुके हैं कि ऑलवेज थैंक्स, सो यू शुड नॉट फॉरगेट टू थैंक द पैनल, जो भी इंटरव्यू करने वाले लोग हैं आपने लाजमी उनको थैंक यू बोलना है। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मॉक इंटरव्यू। अब हम सिंपल मॉक इंटरव्यूज़ के टाइप्स को देखेंगे। सो मॉक इंटरव्यूज़ आर गोइंग टू हेल्ड विद करियर काउंसलर, मेंटोर, कलीग्स, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर। इक्वली फाइव दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, सबके अपने ही इम्पॉर्टेंस है, सब ही इक्वली बेनिफिशियल हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। मॉक इंटरव्यू विद करियर काउंसलर। अब अगर कैरियर काउंसलर के साथ आपका मॉक इंटरव्यू हो रहा है या आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैरियर काउंसलर वो बंदा है जो आपको कैरियर ओरिएंटेड है, उसको आपको कैरियर की तरफ वो लेकर जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये जो कैरियर काउंसलर होते हैं, या आपको प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं, ठीक है, ये वो इंडिविजुअल होता है जो आपको प्रोफेशनल एडवाइस देगा। इसके अलावा दे कैन प्रोवाइड यू विद टिप्स एंड टूल्स टू यूज़ लेटर व्हेन स्पीकिंग विद एन एक्चुअल हायरिंग मैनेजर, ठीक है, आपको कुछ टूल्स और टिप्स दे देगा कि आप जब एक्चुअली में हायरिंग मैनेजर से बात करेंगे तो आपने किस तरह से बात करनी है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर इंटरव्यूइंग फॉर योर फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब और इंटर्नशिप, ठीक है, बिकॉज यू मे गेन अ गुड इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू एटिकेट्स। आपको इंटरव्यू के बारे में सब कुछ बता देगा अगर आप फर्स्टली टाइम पर इंटरव्यू में अपीयर होने लगे हैं, पहली दफ़ा ज़िंदगी का इंटरव्यू देने लगे हैं, तो ये आपको ज़रा ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कैरियर काउंसलिंग का बैकग्राउंड वगैरह चेक कर लें, ताकि आप मॉक इंटरव्यू में उनके एक्सपीरियंस को देख सकें कि वेदर उनका एक्सपीरियंस जो है वो मैच भी कर रहा है आपकी जॉब के साथ या नहीं। एक कैरियर काउंसलर जो है वो गुड सोर्स होता है ऑफ एक्सपेंडिंग योर प्रोफेशनल नेटवर्क टू बिल्ड मोर कनेक्शंस टू लीड यू टूवर्ड्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। आपकी कनेक्शंस बिल्ड करते हैं क्योंकि वो पहले से ही इस फील्ड में होते हैं, तो वो आपको डिफरेंट जगहों पर उनके कनेक्शंस होते हैं तो वो एक्सपेंड कर सकते हैं। सो यू शुड स्केड्यूल अ टाइम टू मीट विद देम टू बिगिन बिल्डिंग ऑन गोइंग रिलेशनशिप्स। एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने के लिए आप उनसे मीटअप प्लान करें और उनके साथ एक इंटरव्यू इमिटेट करें या मॉक करें। नेक्स्ट इज़ मॉक इंटरव्यू विद मेंटोर। मेंटोर गिव्स यू एडवाइस, ही गिव्स यू मोटिवेशन एंड प्लस ही गिव्स यू इमोशनल सपोर्ट। मेंटोर्स आपके टीचर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं, सपोर्ट देते हैं थ्रू आउट योर जॉब सर्च, ठीक है।
दे मे हेल्प यू डिस्कस एंड प्लान योर डिज़ायर्ड करियर पाथ, ठीक है, आपको प्लान बताते हैं, आपको हेल्पफुल रहते हैं, आपने कौन सा कैरियर चूज करना है. दे आर हेल्पिंग यू, दे हैव मोर पर्सनलाइज्ड अप्रोच, क्योंकि वो आपको पर्सनली भी जानते हैं, तो वो उनकी अप्रोच पर्सनलाइज होती है, वो आपकी हैबिट्स, वो आपकी स्किल्स को स्टडी करके आपको बताते हैं कि कौन सा कैरियर पाथ आपके लिए बेहतर है. मेंटोर के साथ एक जो इंटरव्यू होता है वो इसीलिए भी होता है कि वो इंफॉर्मेशनल होता है. इसके अलावा आप अगर विलिंग हैं इस चीज़ के लिए तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया टॉप मॉक इंटरव्यूज़ विद मेंटोर. नेक्स्ट इज मॉक इंटरव्यूज़ विद अ कोलीग. कोलीग बेसिकली आपका फ्रेंड होता है जो आपकी सेम वर्क प्लेस पर होता है. ठीक है, आप अपने कोलीग को यूज़ कर सकते हैं. इट्स बेस्ट टू यूज़ अ कोलीग फॉर अ मॉक इंटरव्यू इफ़ यू आर इंटरव्यूइंग फॉर अ पोजीशन दे हैव प्रीवियसली हेल्ड. ठीक है, अगर उसी बंदे के पास पहले वो पोजीशन थी जो आप जिसके लिए आप इंटरव्यू देने लगे हैं, तो वो बेस्ट हो सकते हैं क्योंकि वो उस फेज से गुजर चुके हैं, वो उस पोस्ट पर काम कर चुके होते हैं. ये इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होता है. मेंटोर के साथ या कैरियर काउंसलर के साथ आप बहुत फॉर्मल होकर बातचीत करेंगे, इसमें आप थोड़ा इनफॉर्मल होकर अपनी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं, बट यू स्टिल नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर आंसर्स एंड आस्क देम फॉर द फीडबैक, ताकि आप एक इंटरव्यूज़ को सही तरीके से इमिटेट कर सकें, उनकी प्रैक्टिस कर सकें. तो आप उनको कहेंगे कि हमें इसमें रिस्पॉन्सेज दें, इसका फीडबैक भी दें. नेक्स्ट इज मॉक इंटरव्यू विद अ फ्रेंड. अब एक फ्रेंड से अच्छा आपका गाइड कोई नहीं हो सकता. अ फ्रेंड गिव्स यू अ इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग अ मॉक इंटरव्यू. ठीक है, आप जब इसके साथ एक मॉक इंटरव्यू करेंगे तो आपको फ्रेंड्स जो हैं वो इमोशनल सपोर्ट भी देंगे, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. यू योर फ्रेंड कैन ऑल्सो यूज़ देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड डिस्प्ले देयर टिप्स टू रिलेट योर इंटरव्यू. ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. लास्ट टाइप इज मॉक इंटरव्यू विद फैमिली मेम्बर. फैमिली मेम्बर्स के साथ मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा नेसेसरी इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, दे मेक यू कम्फर्टेबल, बट यू वॉन्ट टू आउटलाइन योर एक्सपेक्टेशंस फॉर द एडवाइस यू वॉन्ट फ्रॉम देम. ठीक है, आपने इनसे भी एक्सपेक्टेशंस लेनी है, एडवाइस लेनी है. दिस मे हेल्प यू गेन प्रोडक्टिव फीडबैक बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है, उनका अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो आपको फीडबैक देगा. इसके अलावा वो आपको पर्सनली जानते भी हैं तो वो आपको हेल्पफुल करेंगे. ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्सेज में, जनरल रिस्पॉन्सेज में भी हेल्पफुल रहेंगे. उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो वो बताएंगे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं. इसके अलावा यू कैन कम्युनिकेट योर आंसर्स टू अ फैमिली मेम्बर ईजिली. देन दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू ब्रेन स्टॉर्म योर आइडियाज, टू मेक इट मोर कंसाइज, टू मेक इट मोर ईजी. ठीक है, ईजी हो, टाइम लिमिट उसमें ना लगे, वो आपको आइडियाज़ दे सकते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे नो यू पर्सनली, दे नो यू होली, वो आपको फुली तौर पर जानते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल करेंगे कि आप इस तरह के जवाब दें और इस तरह से प्रेजेंट करें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. मैंने स्टार्ट में एक टॉपिक बोला था जिसमें हमने नाम लिया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यूज़. बेसिकली वो मैंने डूज में ही यहाँ पर मैंशन कर लिए थे, दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, यू शुड ब्रिंग ऑल द मटीरियल्स दैट इज़ नीडेड, यू शुड टेक नोट्स ड्यूरिंग ईच मॉक इंटरव्यू, एंड वेयर प्रोफेशनल अटायर, रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्सेज एट्सेट्रा. तो ये जो आपके डूज हैं बेसिकली यही आपकी प्रैक्टिस है. तो ये मॉक इंटरव्यूज़ का टॉपिक यहाँ पर आज ख़त्म होता है. इंशाल्लाह ताला कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इससे पहले आप लोगों के पास मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी कि यूट्यूब पर बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं. मॉक इंटरव्यूज़ स्पेशली CSS एग्ज़ाम्स के नज़र आते हैं, तो आप लोगों ने लाजमी वो 2 से 3 तो देखने ही हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मॉक इंटरव्यूज़ होते कैसे हैं, और आपको नज़र आए, आपको पता लगे कि ये एग्जैक्टली वैसे ही इंटरव्यू होते हैं जैसे रियल इंटरव्यूज़ होते हैं. तो हम एज़ इट इज़ रियल इंटरव्यूज़ को कॉपी करते हैं या इमिटेट करते हैं. आज के लिए इतना ही लेक्चर है. आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. यहाँ तक ही था ये. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.